राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक माननीय मोहन भागवत जी द्वारा मुस्लिम बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और मदरसों के छात्रों से रूबरू होते हुए मुस्लिम समाज को हिंदुस्तान की तरक्की और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का जो आह्वान किया है वो स्वागत के योग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी द्वारा इस प्रकार की पहल किया जाना एक सराहनीय कदम है, जो एक नए आधुनिक हिंदुस्तान का आगाज है। मैं देश के तमाम मौलानाओं बुद्धिजीवियों से आह्वान करता हूं कि देश और कौम की तरक्की अगर चाहते हो तो हमें अपने नस्लों को रूढ़िवादिता दकियानूसी सिद्धांतों से बाहर लाना होगा। मुस्लिम समाज और कौम की भलाई के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और देश की तरक्की के लिए कार्य करना चाहिए, तभी हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब देश का हर मुसलमान अपने तमाम हिंदू भाइयों के साथ मिलकर इस देश की तरक्की में भागीदारी करेगा। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों और मौलानाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि उन सभी फिरका परस्त और मौका परस्त राजनेताओं से मुस्लिम कौम की तरक्की और आने वाली पीढ़ियों को खतरा है, जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव और नफरत की राजनीति करते हैं। आज हमारे देश को ऐसे राज्य की ज़रूरत है जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी चाहते हैं और हिंदुस्तान चाहता है कि हम सब मिलकर रहें, हिंदुस्तान की तरक्की में योगदान करें। हम मिलकर एक ऐसा राज्य बनाएं जो राम राज्य जैसा हो। यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर उन मौका परस्त राजनेताओं को सबक सिखाएं जो हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और तोड़ना चाहते हैं। आज हमें मिलकर हिंदुस्तान की तरक्की के एक नए इतिहास रचना है और एक नया रामराज स्थापित करना है। जय हिंद।